दुनिया ने इतनी पीड़ा कभी नहीं देखी है जो आज देख रही है। गीता की फिलोसफी की रेलेवेंस इज एज रेलेवेंट टूडे एज नेवर बिफोर। दुनिया के सामने दो बड़े मुद्दे थे तो प्रधानमंत्री जी ने टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम गीता उन्होंने कहा हर संभव प्रयास होना चाहिए टू अवॉइड वॉर। भारतवर्ष की प्रेजेंट जो गवर्नेंस है इसको मैं गीता गवर्नेंस कह सकता हूं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया ने इतनी पीड़ा कभी नहीं देखी है जो आज देख रही है। वी आर वर्चुअली सिटिंग ऑन अ वोल्केनो। दुनिया के दो कॉन्फ्लिग्रेशंस वन इज़राइल हमास अनदर यूक्रेन रशिया आर टू वेल नोन। गीता की फिलोसफी की रेलेवेंस इज एज रेलेवेंट टूडे एज नेवर बिफोर। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा दो हिस्टोरिक स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट था उनका करीब 1.5 साल पहले वी आर नॉट लिविंग इन एन एरा ऑफ एक्सपेंशन। कोई देश अपनी सीमा एक्सपेंड करना चाहे तो दैट एरा इज गॉन। बट इन सेइंग सो इंडियाज प्राइम मिनिस्टर टुक प्राइड दिस कंट्री नेवर इन इट्स हिस्ट्री हैज थॉट ऑफ एक्सपेंशन। वी हैव सफर्ड इन्वेजन्स, वी हैव सफर्ड इनकर्शन्स ऑफ ऑल काइंड्स, पर भारत में रहने वाला न तो किसी राजा ने न भारत ने कभी भी एक्सपेंशन को अपनी पॉलिसी किया है। वी हैव नेवर बिलीव्ड इन इट। एंड सेकेंड, जब दुनिया के सामने दो बड़े मुद्दे थे तो प्रधानमंत्री जी ने टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम गीता उन्होंने कहा हर संभव प्रयास होना चाहिए टू अवॉइड वॉर थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। गीता में यह प्रकाष्ठा पर गया था, यह भूमि साक्षी है इसकी। नो एफर्ट वॉज स्पेयर्ड बाई लॉर्ड श्री कृष्णा टू एंश्योर दैट देयर बी नो वॉर। बट वंस दिस बिकम्स इनइविटेबल तो भी भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया और ज्ञान अर्जुन को दिया जो हमको आज सोचने की आवश्यकता है। और भारतवर्ष की प्रेजेंट जो गवर्नेंस है इसको मैं गीता गवर्नेंस कह सकता हूं।